जय श्री नारायण गुरु जी, आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए गुरु जी। दिन में मैं आपकी कथा सुन रहा था, कथा सुनते सुनते आप गाय के बारे में बता रहे थे, गौ माता के बारे में। सुनते ही मेरे मन में ऐसा हुआ कि मैं जाऊं आपसे पूछूं, जो भी हमारे पड़ोस में ही एक गाय है, मैं डेली मतलब जाता हूँ उनके चरण दबाता हूँ, जैसे आप करते हैं। आपको देख के मेरे को ये प्रेरणा मिली, मैं डेली चरण दबाता हूँ उनके और चरण छूता हूँ। अब मैं उन्हें रखना चाहता हूँ अपने घर पे, मेरे अंदर ये भाव बना तो मैं उन्हें घर में रखना चाहता हूँ। तो अब मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी गायें दोगे, तो उन्होंने बोला हाँ देंगे। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मतलब मेरी गाय ना अभी जनवरी के टाइम में ब्याहने वाली है। मैंने कहा ठीक है, पर मेरे अंदर विचार आया कहीं मैं ले लूँ, मेरे को कभी किया नहीं मैंने, तो कहीं पाप ना चढ़े अब ब्याहेगी, मेरे को तो कुछ पता नहीं है, तो ऐसे में मेरे को क्या करना चाहिए? घर में ले आओ, बढ़िया गाय की सेवा करो आप। नहीं, गाय ब्याहेगी, अब मेरे को उसके बारे में सेवा का पता नहीं है ना गुरु जी। जब गाय ब्याहेगी तो उसके बच्चे को उसका दूध पिलाना, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, कुछ हो जाए ना तो क्या होगा? सेवा करना, अच्छे बच्चा हो, सर्दी में हो तो उसको होते ही तुरंत धूप है तो धूप दिखाना, रात को उसको कंबल अम्बल उड़ा के थोड़ा सर्दी, छोटे गाय के जो बच्चे होते हैं ना उनको सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, हम तो उनको सर्दी ना लगे इसका ध्यान रखना, क्योंकि जरा सी सर्दी में उनका शरीर छूट जाता है, क्योंकि सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते बच्चे, थोड़ा सा केयर करना पड़ता है गाय के बच्चों की। और एक सवाल हो रहा है गुरु जी, कुछ दिन पहले एक कबूतर आया था हमारी छत पे, उसके किसी ने गर्दन पे मार दिया था, पंजा मारा या करंट लगा, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। तो मैंने ऐसी आप जैसे संतों के मुंह से ऐसा सुना कि ऐसे में अपना काम छोड़ के उनकी थोड़ी वो करो। तो मेरे घर में घर वालों ने उन्हें एक कमरे में रख दिया था कि उस पर दवाई ववाई छिड़क दी थी जो आती है उनकी, तो मेरे को फिर भी चैन नहीं पड़ा, वो एक कोने में जाके मतलब ऐसे पड़ गया कि ना बोल रहा ना कुछ। तो मैं उसके लिए डॉक्टर के पास गया कबूतर को लेके, तो डॉक्टर ने बोला कि इसके लिए ये दवाई लिख के दी, उसने देखा इसको ना स्ट्रोक लग गया है, तो दवाई लिख के दी उसने कि इसको ऐसे ऐसे लगा देना। अब हमने उसे लगाया दवाई छिड़की, मतलब मैंने पकड़ा और मेरे भाई ने दवाई लगाई, तो करते करते उसको दवाई झीली नहीं, क्या नहीं हुआ, वो हाथ में उसने आंखें बंद कर ली, वो मर गया। और हाथ में आते ही मतलब मैंने जब उसे नीचे रखा ना, मेरे को ऐसा नहीं लगा वो मर गया, लगा तो उसकी गर्दन एकदम टेढ़ी हो गई। अब मैं तो मेरा उसी टाइम आंसू निकल गए, रोने लग गया मैं, पता नहीं क्यों रोने लग गया, मेरे को नहीं पता। ठीक है, आपने तो कोशिश की, प्रयास किया, अब उसका असर। अब मेरे घर वाले मतलब कह रहे मेरे को पाप कर दो, नहीं है कि मेरे को पाप नहीं, लगे पाप नहीं, वो तो आपने उसके भले के लिए सब कार्य किया। अब किसी का भला करते समय यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो वो तो आप वो अच्छा काम किया, जो आपको करना था वो आपने किया। और उसके बाद मैंने उसका ले जाके अंतिम संस्कार जैसे करते हैं गड्ढे में दबा के फूल वूल जो डालते हैं, ठीक वैसे मैंने किया। अच्छा है। और एक सवाल हो रहा है गुरु जी, हाँ, हमारे घर में शालिग्राम जी हैं, शालिग्राम जी जो होते हैं क्या वो सफ़ेद भी होते हैं? शालिग्राम भगवान सफ़ेद नहीं होते, जहाँ तक हो सकता होते हैं, मैं ये कैसे कहूँ कि नहीं होते, लेकिन मेरे पर काले ही देखे गए हैं, सफ़ेद देखे नहीं गए, काले ही हमने आज तक देखे, हमने सफ़ेद का दर्शन लेकिन किया। अब मैं जो पूजा करता हूँ अब तो मैं उन्हें भगवान मान चुका हूँ। भगवान तो देखो कण कण है, प्रत्येक कण भगवान है, सबको भगवान मान लेने में। तो अब क्या करना चाहिए मेरे को? रखो, पूजा करो, ठीक है, चलते रहे वैसे जैसे होता है। धन्ना जाट ने सामान्य नदी में बहते पत्थर गुरुजी ने लाकर दे दिया, बोले भगवान है, और वो सामान्य पत्थर की सेवा की है, उसी से भगवान प्रकट होकर धन्ना को दर्शन दिए। तो भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान असली नकली पत्थर नहीं होता, जहाँ आपका भाव जम जाए वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे गुरु जी। और एक चीज और बताइए, गुरु चरणों में प्रीति कैसे हो? कथा सुनो बस,